यहाँ बैठ जाइए सर। हमरा को कहाँ बैठना है तू मत समझा। हाँ। वेटर। हाँ है सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या करते हो तुम? काम करते हैं सर। अब हाँ अब, अब। चल जाके दूसरा के भेज। पागल है का? काम करता हूँ सर। आप का लेंगे सर? फ्लाइट का टिकट चाहिए हमरा को। पागल है का रे? अभी आदमी होटल में का लेता है, फ्लाइट का टिकट थोड़े लेता है। नाश्ता में जो जो बनाया है सब लेके आ जा। ठीक है लाते हैं। सर बिल रुक रहे। देखो चाय लेके आ जल्दी। ये सब उठाए यहाँ से। तुम्हारा नाम क्या है रे? पवन सर। पवन, कितनी पढ़ाई की है रे? डिग्री कर चुका हूँ सर। डिग्री कर चुका है? जी सर। है फंटास्टिक। डिग्री करने के बाद भी तू होटल में बर्तन धो रहा है? ये सब भी उठाओ। जा 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 जा। सर चाय। ए यार आ रहे सर। ये क्या है इसमें? कॉफी। ये कॉफी में चूहा मारे का दवा गिरा है। अरे बाप रे मर गया। ये सब क्या हो रहा है? अरे स्टाफ के लोगों को बुला जल्दी। क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या हुआ? होटल का मैनेजर कहाँ है? मैनेजर का बुलाओ। बुलाओ सर। सर यहाँ ये बुला रहे हैं। कॉफी में चूहा मारने का दवा है। ये कॉफी अगर हम पिएंगे तो हमारा गला ब्लॉक हो जाएगा और हम मर जाएंगे। इसका रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? ये होटल लेगा रिस्पांसिबिलिटी? कम ऑन टेल मी नाउ। टेल मी। नो आई विल कॉल द फूल इंस्पेक्टर। हमारा को कंपनसेशन चाहिए। कंपनसेशन। सुनिए सर, आप जरा एसी रूम में बैठ जाते तो हम जरा पर्सनल बात करते। एसी रूम में हम नहीं जाएंगे। ओ का बात सर, यहाँ पर होटल के प्रेस्टीज चल जाएगी, इसलिए हम एसी रूम में बैठकर पर्सनल बात करते हैं। आवा सर, प्लीज सर। हाँ का बात करेगा? कुर्सी में बैठ सर। कैसन बात? सर आपको ना सर, यहाँ वो आदमी उसको बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। बैठी ना सर। हम बैठे के लिए नहीं आया हूँ। आपको नहीं सर। हाँ बोलो का बात है? हाँ बैठे। हाँ बैठ रहे ना। ठीक है सर, हमारा कंपनसेशन दे दो, हम चला जाता हूँ। ठीक है सर। यस थोड़ा रुकिए। थोड़ा रुके तुम्हारी तो। वन मिनट सर, बाकी सब चीजन से पहले एक मिनट एका देखा। हाँ देखी सर। वहाँ पर हमारे होटल के प्रेस्टीज नहीं जात तोहर जात, ए लिए हम आपके यहाँ बुलाए सर। राम बाबू सर जी से बर्तन धुलवावा। साइकिल के लिए पोस्ट। किसका है? सहगल के लिए चिट्ठी है। सीके सहगल, चिरंजीव कुमार सहगल। चिरंजीव कुमार सहगल, वो तो मैं ही हूँ। तो लीजिए ना। तो दे दो ना, कमाल है, बात करता है। वाह रे सहगल, तुझे भी शादी के कार्ड आने लगे, तेरा भी वक्त आ गया है। लगता है अब तू भी बड़ा आदमी बन गया है। ओ माय गॉड, नो, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता है, नेवर। आप लोग जाकर खाना खा लीजिए। क्यों, क्या समझ लिया था? तेरी इतनी हिम्मत। वो तुम्हारे खानदान की निशानी है। अभी मैं बाजार से। मेरे जूते का नाम है रे। मेरी बेटी की जिंदगी में तूने आग लगा दी टकले। फिक्र मत करो सासू जी, मेरा जो बेटा होगा उसी से तुम्हारी चिता को आग लगवाऊंगा। कौन है रे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं अगर चाहूँ ना तो तुम लोगों को कपड़े की तरह धोकर यूं भाग सकता हूँ। मैं क्यों नहीं भाग रहा हूँ तुम लोगों को पता है? मेरी रोजा एक न एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझेगी, मेरी दीवानी होकर मेरे पास आ जाएगी और मुझसे माफी मांगेगी। चल बड़े बड़े गुंडे भी हमारे सामने इस तरह से बात नहीं करते। तू क्या उनसे बड़ा है? सर
आप मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा बेशक पकड़ लीजिए, लेकिन मेरे बाल को पकड़ने की हिमाकत मत कीजिए, छोड़ दीजिए। हम खुद को हीरो समझता है, भागते हुए आकर उस लड़की के गले में मंगलसूत्र क्यों बांधा? इसलिए क्यों मेरी धर्म पत्नी बने? पर इतने स्पीड में आने की क्या जरूरत थी तुझे बता? बदला सर, बदला। बदले की वजह? बाल। बाल? यस यस सर। मेरे सर के बाल को देखिए सर। तेरे सर पे तो बाल ही नहीं है। ये तो आज की बात है सर, पर एक साल पहले मेरे सिर पर बाल ही बाल थे। चाहिए तो आप एक बार मेरा फ्लैशबैक देख लीजिए सर। सर एक जमाना था जब हमारे सर पर एकदम घने बाल हुआ करते थे, मैं हीरो की तरह दिखता था। यही नहीं, मेरे गांव में तो मेरे दादाजी की भी चर्चा हुआ करती थी, उनकी 70 साल की उम्र में भी एक भी बाल नहीं उड़े थे। उनके बालों की चर्चा आसपास के गांव में थी, उन्हें बालों का देवता मानते थे, सारे टकले उनके बालों की पूजा करते थे। उनको यकीन था कि उनकी पूजा से उनके सिर पर फिर से बाल उग जाएंगे। मेरे और दादा के बीच बहुत प्यार था, मैं उनके सफेद बालों से प्रेम करता था और वो मेरे काले बालों से प्यार करते थे, और हम दोनों ही एक दूसरे के बालों को सजाते थे, संवारते थे। और एक दिन मेरे दादाजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और वो लड़की रोजा मेरे घुंघराले बालों की दीवानी हो गई। अगले हफ्ते मेरी शादी थी, शादी के कार्ड भी छपवाने को दे दिए गए, शादी के कार्ड भी छप कर आ गए। मैं मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन तभी मेरे दादाजी मर गए। दादाजी के मौत के सदमे से मैं पागल सा हो गया, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, मैं उनकी याद में रोता गया, मैं उनके बगैर बिल्कुल अकेला सा हो गया। मैं उनकी समाधि के पास बैठा हमेशा रोता रहता था, और उसके बाद एक एक करके मेरे सारे बाल उड़ते चले गए, उड़ते चले गए। वक्त गुजरता गया और मेरे सिर के सारे बाल उड़ गए। और एक दिन अचानक मेरे सास ससुर और मेरे होने वाली पत्नी मेरे घर पर आए। मैंने सोचा मेरी शादी के फिर से मुहूर्त निकालने के लिए आए हैं, पर ससुर ने कहा यह शादी नहीं हो सकती। मैं शौक में आकर वजह पूछा, मेरी सास ने कहा मेरी बेटी टकले से शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर मैं और शौक डूब गया। मैंने कहा शराबी जुआरियों को इनकार कर सकती है, लेकिन टकले को इनकार क्यों कर रही है, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव पकड़ा। लेकिन अगर आदमी दुबला हो गया हो तो वो मोटा हो सकता है, अगर मोटा हो गया हो तो दुबला हो सकता है, पर इस टकले का कोई इलाज नहीं है। पर टकला आदमी नालायक तो नहीं होता ना? करेक्ट है टकले। मेरी बेटी का मानना है कि टकले के सर पर सहरा नहीं टिकेगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर ऐसी बात है सर तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं सर। मेरी बेटी ने तुम्हारे घुंघराले बाल देके पसंद किया था। मेरी प्यारी रोजा, घर संसार बालों से नहीं बसते हैं, दिल से बसा करते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो चेहरा वेहरा नहीं देखते हैं। अगर तुम्हें बालों से इतना ही प्यार है तो मैं एक अच्छा सा विक ले लूंगा। I'm sorry, कूली से कर लूंगी, ड्राइवर से भी शादी कर लूंगी, लंगड़े से भी शादी कर लूंगी, पर टकले से कभी नहीं। मम्मी चलो। रोजा रोजा रोजा, ऐसे मत जाओ छोड़ के। अरे अब मेरा क्या होगा, ये कहाँ का न्याय है? बस कर। सर आपका भी तो यही हाल है, एकदम सपाट सड़क है। सर आपके टकले को देखकर आपकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा, हाँ? चुपचाप बाजू वाले के साथ भाग। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी माय बॉय, वो घमंडी लड़की को लेकर आऊंगा और तुम्हारा घर संसार बनाऊंगा, दिस इज माय प्रॉमिस। सर मैं इनके ससुराल गया हुआ था सर, वहाँ ताला लगा हुआ है सर। ताला लगा है? हाँ सर, कोई टकला उनकी बेटी के गले में मंगलसूत्र डाल गया, उस अपमान को सह न सके और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे, और इस हादसे के बाद पूरी फैमिली सिंगापुर चली गई सर। अरे थैंक यू। सिंगापुर चले गए हैं ये सोचकर ये टकला इन्हें भूल जाएगा, और उस रोजा की शादी मैं किसी सेकंड हैंड पागल से करवा दूंगा, और उसके बाद उसकी छोटी बहन से मैं शादी कर लूंगा। आहा, स्माइलिंग फेस लगना चाहिए। तेजाब दरवाजा खोल। गुरुजी आप? हाँ रे, मैं ही हूँ, फ्लाइट पकड़ के सीधा दुबई से आ रहा हूँ। फ्लाइट में मुझे विंडो सीट मिली थी, हवा बहुत अच्छी आ रही थी। ये क्या है रे इंडिया, जैसे ही इंडिया में उतरा रोड से ज्यादा गड्ढे, शर्ट देख शर्ट, पूरी शर्ट खराब हो गई।
हाथ कंधे पर रख बे। क्या रे सिनू, कैसा है? पहले के जैसा ही फटीचर है या कुछ तरक्की की है? इंडिया में ऐसा ही होता है। मेरे साथ दुबई चल, देख मेरे जैसा बन जाएगा माला माल। और तू कैसा है रे वेनु है? ये कौन है? वो गुरुजी ऐसा है कि याद आ गया, मुजफ्फरपुर का मोटा बकरा यही है ना। अरे सही टाइम पे पहुंचा मैं। पैक बना। पौवा तो कौवा पी गया। एक दूंगा। कौवा कैसे पी जाएगा रे, मजाक कर रहा मुझसे? हम तूने पीना? हाँ। तो फिर तू कौवे को क्यों फंसा रहा? दारू लेकर आ, मेरे बैग में रखी है। सुना, दूंगा लेके आ। जी की रक्षा करना है भगवान, आपका सिचुएशन गुरु जी को पता नहीं है। कौवा पैक पी गया। कौवा ये क्या है पता है? दुबई का माल है बेटा, ऐसे सूंघते ही नशा चढ़ जाता है। इंडिया की देसी दारू समझा है क्या? थूकता हूँ ऐसी दारू पे। चल बैठ बे। तुम लोगों को एक न्यूज दूं क्या? आज मेरा जन्मदिन है, ऐसा मनाएंगे कि सारी जिंदगी याद रहे। तुम लोग खड़े क्यों? बैठ जाओ, बैठो बैठो। चल दारू डाल, धीरे धीरे डाल, गिरना नहीं चाहिए। गिराना नहीं, गिरा दे दारू, उठा से। थोड़ी सी तो गिरी। तू पीला, खुशी मना। दुबई से लाया हूँ, मजाक समझा है क्या? अरे अरे अरे, लीवर बढ़ जाएगा, जानवर है इंसान, पूरी पी जाएगा, हमारे लिए भी छोड़ेगा। मारो साले को। चल तू बाजू हट, धरती पे बहुत, चल उठ। मुझे क्यों खड़ा करवा रहा है? इंडिया बड़ा है कि दुबई बड़ा है, ये बता। नहीं भाई, छोड़ दो भाई। इंडिया महान, तेरा भारत महान। भारत बोला तब भी क्यों मार रहे हो? ये सोना कहाँ का पहना है? दुबई का। छिछिछिछ, उतार देता हूँ। ये कहाँ का है बे? ये भी दुबई का है भाई। तो फिर से बताना पड़ेगा। ये लो दुबई का। हेलो तार। ये इंडिया का है भाई, मैंने अपने गांव से खरीदा था, प्योर कॉटन। बस अब मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब तू देगा। दूंगा भाई। दुबई किस चीज में महान है? नहीं सर, इंडिया ही। ओनली आंसर, दुबई किस चीज में महान है? सैलरी ज्यादा देते हैं। दुबई जाकर टॉयलेट धोने का काम करते हो? मैं टॉयलेट नहीं धोता भाई, मैं सुपरवाइजर हूँ। आप जो बोल रहे हैं भाई सही है सर। सही कहा ना। 10,000 रुपए तो मैं यहाँ भी कमा सकता हूँ सर। टॉयलेट साफ करने दुबई जाएगा तू? नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर यही रहूंगा, यही रहूंगा। रहेगा ना? हाँ भाई। हाँ रहेगा भाई, आपके घर में रहूंगा भाई। कट, एक्शन ओवर। अब तीनों मिलके एक मस्त गाना गाओ और साथ में डांस भी करो, डांस भी करो और गाना भी गाओ। चलो फटाफट। रुक क्यों गए? इतना ही आता है भाई, आगे नहीं आता। पर मुझे आता है, गाना नहीं रे, फाइट। फाइट होगी, इंटरटेनमेंट के बीच में फाइट। अरे भाई छोड़ दो भाई। किसके दर पे फोड़ो, किसके दर पे फोड़ो, किसके दर पे फोड़ो। आप देखो उधर। अरे अबे साले, मुझे ही चकमा दे गए।